तेलंगाना में धुआंधार प्रचार के बीच पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 8 बजे तिरुमला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी कल रात ही तिरुपति पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। पीएम पर लोगों ने फूलों की बारिश की। मोदी रात को भगवान बालाजी के धाम तिरुमला में ही रुके। सुबह भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन वो करेंगे। दर्शन पूजन के बाद फिर तेलंगाना के चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे। पीएम मोदी 12:45 पर महबूबाबाद और 2:45 पर करीमनगर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद आज शाम 5 बजे पीएम हैदराबाद में एक मेगा रोड शो भी करने वाले हैं। तो आज तिरुपति में दर्शन करेंगे, दर्शन पूजन के बाद फिर आगे प्रचार के अपने अभियान में प्रधानमंत्री जुटेंगे। हमारे संवाददाता टी राघवन इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं, आज प्रधानमंत्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हुसैन, 30 तारीख को तेलंगाना में चुनाव है और उसके लिए धुआंधार चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जो है वो जुटे हुए हैं। इस बीच उन्होंने समय निकाला है कि वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं, आंध्र प्रदेश में दर्शन करें। कल शाम करीब 7:15 वो वहाँ पर पहुँच गए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के अब्दुल नज़ीर, उन्होंने उन्हें रिसीव किया था। हालांकि सीएम वापस अपने राजधानी लौट गए, लेकिन राज्यपाल उनके साथ में है। रचना गेस्ट हाउस में फिलहाल वो तिरुमला जो ऊपर पहाड़ी में जहाँ मंदिर है वहाँ पर रुके हुए हैं। ठीक आठ बजे वो मंदिर में पहुँचेंगे, 45 मिनट वो मंदिर में रहेंगे, ऐसी जानकारी हमें टीटीडी की तरफ से दी गई है। 8 बजे मंदिर में पहुंचने के बाद पहला कार्यक्रम जो उनका रहने वाला है वो है ध्वजस्तंभ पूजा। ध्वजस्तंभ का बहुत महत्व है, दक्षिण भारत की जो संस्कृति है उसमें किसी भी मंदिर में आप बड़े बड़े ध्वज देखते हैं जहां पर लगते हैं किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, वो ध्वजस्तंभ में लगाया जाता है। उस ध्वजस्तंभ की पूजा के बाद वो दर्शन करेंगे। वो हमें नजर नहीं आएगा क्योंकि वो एकांत दर्शन होगा और वहां पर कैमरेज जो है वो अलाउड नहीं है। करीब करीब कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट वो गर्भगृह में रहेंगे जहां पर वो भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे। उसके बाद जो मंदिर के पुजारी हैं उनके सम्मान में अलग अलग श्लोक पढ़ेंगे, दिव्य प्रबंधम पढ़ेंगे, श्री सूक्त पुरुष सूक्त के साथ उनका सम्मान किया जाएगा, फिर प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद वो मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। 45 मिनट का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है और ये 5वीं बार ऐसा होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज के दर्शन पूजन के बाद एक बार फिर से प्रचार के काम की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले राघवन ये बताइए जरा कि मंदिर की जो प्रबंधन कमेटी है उसकी तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई, क्योंकि रोजाना हजारों लोग पहुंचते होंगे मंदिर में दर्शन के लिए, तो आज जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई, एक बार आप उसे दोहरा दें। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें हुसैन, तो ये कह सकते हैं कि जो वैटिकन है उसके बाद सबसे पॉपुलस्ट एक मंदिर है, हिंदू देवालय है। यहाँ पर तकरीबन 60 से 70 हज़ार लोग रोज दर्शन के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि आज VVIP मूवमेंट है। इसीलिए 8 बजे से लेकर आज 8:45 तक जो नॉर्मल दर्शन है, जो शीघ्र दर्शन है, उन सबको बंद रखा गया है। ये करीब करीब 2 घंटे में कह सकते हैं कि ये परेशानी होने वाली है श्रद्धालुओं को आज जो वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सारे जो दरवाजे हैं, जो वैकुंठम कॉम्प्लेक्स होता है जिससे वो दर्शन के लिए मंदिर तक पहुंचते हैं, उन सबको बंद कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री सीधे मुख्य द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे, तो उस दौरान जो ये VIP ब्रेक दर्शन इसे कहा जाता है, जब कोई VIP मूवमेंट वहां पर होता है तो एक ब्रेक कर देते हैं, दर्शन को ब्रेक लगा दिया जाता है, और इसलिए कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु वहां पर आज पहुंच रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर सिर्फ 45 मिनट का समय रखा है ताकि श्रद्धालुओं को ज्यादा इसमें तकलीफ ना हो। राघवन, आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। एक खास रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे आज के इस दर्शन के और बहुत सारे मायने हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। तिरुपति में मोदी का रोड शो, भगवान वेंकटेश्वर के दरबार में मोदी, तिरुपति से तिरुमला तक मोदी मोदी की गूंज।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच आज पीएम मोदी भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी तिरुपति मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कोरोना के बाद ये पहला मौका है जब पीएम मोदी तिरुपति बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तिरुपति बालाजी की पूजा के बाद प्रधानमंत्री फिर तेलंगाना चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे। इससे पहले पीएम रविवार शाम तिरुपति पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। रोड के दोनों ओर खड़े होकर फूलों की बारिश की। तिरुपति का आसमान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए महज आखिरी दो दिन बचे हैं। ऐसे में हर सियासी पार्टी पूरा दम लगा रही है। बीजेपी की कमान जहां पीएम मोदी के हाथों में है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के चमत्कार के भरोसे है। ओवैसी भाईजान भी हुंकार भर रहे हैं, लेकिन सब पर पीएम मोदी भारी दिख रहे हैं। तेलंगाना में सत्ता की लड़ाई अब यार और प्यार पर आ गई है। कांग्रेस और बीआरएस के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ये मिले हुए हैं। वहीं पीएम मोदी आज तेलंगाना में फिर धुआंधार प्रचार करने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दो रैलियां और एक रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम दोपहर 12:45 पर महबूबाबाद में रैली करेंगे। वहीं दोपहर 2:45 पर पीएम करीमनगर में होंगे। पीएम आज ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में भी होंगे, जहां शाम 5 बजे उनका रोड शो होगा। पीएम मोदी के अलावा आज बीजेपी की पूरी भगवा ब्रिगेड तेलंगाना में होगी। अमित शाह जहां दो रैलियां और एक रोड शो करेंगे, वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक रोड शो और 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा एक रैली और एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधर राव 2 जगहों पर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। तेलंगाना में इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। पीएम मोदी सीधे केसीआर को तेलंगाना के विकास में रोड़ा बता रहे हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस ने देश में सुल्तानशाही को बढ़ावा दिया और केसीआर ने यहां निजामशाही को ही आगे बढ़ाया। कांग्रेस और बीआरएस दोनों ही परिवारवाद की सबसे बड़ी प्रतीक है। वहीं तेलंगाना में बीआरएस की बी टीम बने ओवैसी भाईजान विकास की बजाय अपने सियासी एजेंडे को सेट करने में लगे हैं। ओवैसी को पीएम मोदी के तेजस की उड़ान पच नहीं रही। तो मोदी जी क्या करते, जेट है, जेट में बैठ गया, आज लटराल मार के आएंगे। अजीब मामला है वजीर आजम का। अरे भाई, जेट देश का है और आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं राजौरी में, पिछले महीने भी मारे गए, मगर यहाँ पर बीजेपी के पूरे बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर आकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करके। ओवैसी मोदी को साध कर केसीआर को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलकर वोट बटोरने के रास्ते तलाश रहे हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे, उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही। राहुल गांधी इमोशनल कार्ड खेलकर तेलंगाना में बड़े उलटफेर की कोशिश में हैं, लेकिन मोदी विकास की लहर लाने का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में ये 3 दिसंबर को साफ हो पाएगा कि आखिर तेलंगाना ने किसकी बातों को दिल से लगाया और किसे बाहर का रास्ता दिखाया।